प्रदूषण को लेकर एनजीटी कोर्ट सख्त हुआ है। याचिका पर सुनवाई करते हुए जिला प्रशासन से ग्राउंड जीरो रिपोर्ट मांगी है। जिले में स्थापित सभी स्टोन क्रेशर की मापदंडों की 24 जुलाई तक रिपोर्ट देनी होगी। जिला प्रशासन ने संबंधित 5 विभागों की टीम गठित कर जांच शुरू कर दी है। साथ ही नए NOC क्रेशरों पर रोक लगाई। होने वाले प्रदूषण के खिलाफ धुलेड़ा के लोगों ने कई बार विरोध प्रदर्शन भी किए हैं। आपको बता दें, महेंद्रगढ़ जिले में करीब 160 इकाई स्थापित है, जिनमें अधिकतर नांगल चौधरी क्षेत्र के गाँव खातौली, धुलेड़ा, जैनपुर व गांगुताना में स्थापित है। करीब 15 साल से चल रही इन इकाइयों से सरकार को कई लाखों के राजस्व की आवक के साथ साथ हजारों लोगों को रोजी रोटी का कार्य भी मिल रहा है। लेकिन अब एनजीटी की सख्ती के चलते इन पर खतरा मंडरा रहा है। कोर्ट के आदेश पर राज्य प्रशासन द्वारा नियुक्त कमेटी नायब तहसीलदार शमशेर सिंह के नेतृत्व में इकाइयों के DGPS से पैरामीटर नापने शुरू कर दिए हैं, जिसके क्रेशर मालिक काफी हताश दिखे। वहीं क्रेशर संचालकों ने एक युवक पर एनजीटी के नाम से ब्लैकमेल करने के आरोप लगाए और सरकार से मांग की है कि उन्होंने जिस समय कई करोड़ों का इन्वेस्टमेंट किया था, लेकिन अब उन्हें परेशान किया जा रहा है। आदेश के मुताबिक कमेटी गठित की हुई है, एनजीटी में केस चला हुआ है, तो जो क्रेशर है उनकी जो है ना डिमार्केशन कर रहे हैं DGPS, हमारा रेवेन्यू स्टाफ और जो है सारी कमेटी। कब तक सबमिट करेंगे सर? ये जैसे ही संपूर्ण कार्यकाल शनिवार से कर रहे हैं हम, जैसे पूरा हो जाएगा हम रिपोर्ट सबमिट करेंगे। कोई क्रेशर अभी तक ओपनली ऐसा संदिग्ध आया हो जो बिल्कुल ही कानून के दायरे से बाहर? ये हम अभी जो है ना क्लियर नहीं कर सकते, कौन अंदर है कौन बाहर है। अभी हम